नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टूथपेस्ट के चमत्कारी उपयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे टूथपेस्ट के चमत्कारी उपयोग के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपने अभी तक कभी भी सोचे नहीं होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। रोजाना सुबह जब हम उठते हैं तो अपनी दिनचर्या से जुड़े कुछ सामान्य कार्य होते हैं जो सभी अनिवार्य रूप से करते हैं। ब्रश करना भी हमारी दिनचर्या का ऐसा ही अभिन्न हिस्सा है। दांतों को साफ और मोतियों सा चमकदार दिखाने के लिए लोग तरह तरह के टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टूथपेस्ट का उपयोग दांत साफ करने के अलावा अन्य कामों में भी किया जा सकता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं टूथपेस्ट के कुछ ऐसे ही इस्तेमाल के बारे में जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पिंपल की समस्या। पिंपल की समस्या में टूथपेस्ट बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आपको किसी पार्टी में जाना हो और आपके चेहरे पर पिंपल निकल आए तो रात को सोने से पहले उस पर पिंपल के ऊपर टूथपेस्ट लगा लें। रात भर में टूथपेस्ट पिंपल का तेल सोख लेगा और सुबह तक पिंपल बैठ जाएगा। इस नुस्खे को वो लोग नहीं आजमाएं जिनको टूथपेस्ट से एलर्जी है। माना जाता है कि बच्चों की दूध की बोतल अगर ठीक से साफ ना हो तो वह कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके लिए अगर बच्चों की बोतल को अच्छे से साफ करके स्मेल फ्री बनाने अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको साफ करते समय ब्रश, जिस ब्रश से आप साफ कर रहे हैं उस ब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और उस टूथपेस्ट वाले ब्रश से साफ करें। आपकी बोतल स्मेल फ्री और बहुत अच्छी से साफ होगी। टूथपेस्ट का यूज़ करके घर पर ही आप मैनिक्योर किया कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लेकर उसे पानी में घोल लें। अपने हाथों को उस पानी में डुबो लें। कुछ देर तक हाथों को उसमें डूबा रहने दें। फिर हाथों को हल्के हल्के से मसाज करें। टूथब्रश से नाखून के आसपास की सफाई करें। घर पर ही मैनिक्योर करने का यह सबसे आसान तरीका है। कपड़े पर टमाटर सॉस या स्याही का दाग लग जाए तो टूथपेस्ट लेकर उसे कपड़े पर मले, थोड़ी देर रहने दें और फिर कपड़े को धीरे धीरे मले, दाग दूर हो जाएगा। घर की दीवार बच्चे कलर से खराब कर दे तो टूथपेस्ट लगाकर रगड़ रगड़ कर साफ कर दें, रंग साफ तरीके से निकल जाएगा। अगर गहने की चमक फीकी पड़ गई हो तो उन्हें फिर से चमकाना हो तो गहने पर थोड़ा सा आप टूथपेस्ट लगाकर टूथब्रश से ही उसे रगड़ कर साफ करें, गहने फिर से चमकने लगेंगे। बाथरूम के धुंध से ढके कांच के कारण चेहरा साफ जो नहीं दिखाई दे रहा था, अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए कांच पर नॉन जेल टूथपेस्ट लगाकर नहाने से पहले वाइप करें। आप नहाकर जब वापस आएंगे तो तब तक देखेंगे कि चेहरे पर थोड़ी भी धुंध नहीं दिखेगी। लगातार नेल पॉलिश लगाने से आपके नाखून की चमक फीकी पड़ गई होती है। नाखूनों से नेल पॉलिश को हटाएं और कुछ देर तक हल्के हाथों से नाखूनों पर टूथपेस्ट से मालिश करें, नाखून चमकने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे टूथपेस्ट के कुछ खास उपयोग जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही टूथपेस्ट का बहुत ही लाभ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यह जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।